हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसएन फूड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बीन्स आलू की मसाले वाली सब्जी की रेसिपी। तो ये बीन्स ले लिया है जिसको छोटा छोटा काटा है, आप अपने हिसाब से कैसे भी काट सकते हैं, और इसको धो लिया है। पहले इसके लिए हम मसाला रेडी करेंगे। तो ये एक जार में एक प्याज लिया है, चार हरी मिर्च लिए जिसको काट लिया है। अब इसमें थोड़ी सी हरा धनिया डालेंगे, और आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, बट मैं पेस्ट का यूज करूंगी इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, बट आप चाहें तो अभी डाल लें। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेती हूँ, इसका पेस्ट बना लेना एक प्योरी। ये देखिए गाइज, प्योरी बना ली है मैंने, आपको भी ऐसे ही स्मूथ प्योरी बनानी है। और गाइज, ये सब्जी हम बिना टमाटर के बना रहे हैं, जो कि आजकल सबकी डिमांड होती है बिना टमाटर की रेसिपी। तो गाइज, अब हम सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच सरसों का तेल डाला है, उसमें चुटकी भर हींग डाल रही हूँ, दो सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और आधा छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे और जीरा को तड़कने देंगे। गाइज, अब जीरा तड़क चुका है, अब जो हमने मसाला पीसा था उसे डाल लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें मसाले डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं डेढ़ चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच सब्जी मसाला डाल लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गाइस, मैं इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स करेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स करेंगे। और अब मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब गाइस, मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, एक गिलास यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। अब इसमें बीन्स डाल लेंगे। गाइस, इसमें आलू डाल रही हूँ, ये छोटा छोटा आलू काटा है, दो आलू लिया था उसको छोटा छोटा काट लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे, और गाइस अब इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक आलू और बीन्स पक नहीं जाते। तो गाइस, ये देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है, आलू भी पक चुका है, बीन्स भी पक चुका है। तब हम गैस बंद कर लेते हैं। अब गाइस, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरा धनिया डाल रही हूँ। गाइस, आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, जब मसाला फ्राई कर रहे थे उस टाइम आप दही भी डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तब मैं इसे बोल में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, सब्जी हमारी रेडी हो गई है, इसको मैंने बोल में निकाल दिया है, ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया डाल दिया है। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करिएगा, और चाहें तो आप दही डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा ये रेसिपी, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।